चलिए, मिशन छत्तीसगढ़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं। महासमुंद में विजय संकल्प महारैली, तस्वीरें देखिए। अगर मोदी उसको पक्का घर दे दे, उसके उस सपना दे दे, संकल्प दे दे, तो आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? देता है कि नहीं देता है? इसका पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये पुण्य किसको मिलता है? ये पुण्य किसको मिलता है? ये पुण्य देते किसको हैं? आपको मालूम नहीं है किसको मिलता है? जरा जोर से बताइए किसको मिलता है? जी नहीं, मोदी को नहीं मिलता है, ये पुण्य आपको मिलता है, क्योंकि आप अब यहां भाजपा सरकार बनाने वाले हैं और इसके कारण गरीबों को घर मिलना शुरू होने वाला है और इसका पुण्य उसके आधे हकदार आप हैं। ये पुण्य आपके खाते में जमा होने वाला है। यहां के 18 लाख गरीबों के अब पक्के आवास देने का हमने संकल्प कर लिया है और उसके लिए धन भी पक्का निकाल दिया है कि वे पक्का धन इनके लिए। और आप तो जानते हैं ना, मोदी की गारंटी कैसी होती है? पक्की होती है ना? मेरे परिवारजनों, दूर सुदूर के आदिवासी गांवों तक अच्छी पक्की सड़कें बने, रेल से कनेक्टिविटी हो, इसके लिए भाजपा सरकार बहुत पैसे दे रही है। कांग्रेस ने अपने 10 वर्ष में छत्तीसगढ़ के गांव की सड़कों के लिए जितना पैसा दिया था, जब रिमोट वाली सरकार थी ना दिल्ली में, याद है ना, रिमोट वाली सरकार चलती थी, वो रिमोट वाली सरकार ने जितना पैसा दिया था, मेरे आने के बाद, मेरा सेवा काल शुरू होने के बाद, उससे दो गुना पैसा हमने छत्तीसगढ़ को दिया, दो गुना। लेकिन फिर भी यहां स्थिति बहुत खराब है। यहां तक कि हर घर जल, पानी पहुंचाने की योजना को भी ये रोक रहे हैं। जब तक पैसे निकालने का पाइपलाइन न मिले, ये काम करने को तैयार नहीं है जी। ये छत्तीसगढ़ की हर माता बहन के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें कह रही है, एक स्वर से कह रही है, आओ नहीं सही वो, 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 बदल के, बदल के। मेरे परिवारजनों, मैं आज छत्तीसगढ़ के आप लोगों का एक और बात के लिए धन्यवाद भी करना चाहता हूं। आपने यहां कांग्रेस की तो हार तो पक्की की है, मुझे पूरा भरोसा है। आपने कांग्रेस की हार तो पक्की कर ली है, छत्तीसगढ़ के 30% वाले कक्का भी, करारी हार भी आप पक्की मान लीजिए, ये कक्का का जाना भी पक्का। आज हर तरफ से खबरें आ रही है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का विधायक बनना तक मुश्किल हो गया है।
छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ही कांग्रेस के जो पुराने समर्पित कांग्रेसी हैं, वो यहां के मुख्यमंत्री से इतना चिढ़े हुए हैं कि इस बार उन्होंने यहां के मुख्यमंत्री को हराने की ठान ली है। उनके एमएलए बन तक के लाले पड़ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के पुराने दिग्गजों को लग रहा है कि एक बहुत बड़ा धोखा